इस वेले की वड्डी खबर फलौर के पिंड भाग सिंहपुरा तो सामने आ रही है, जिथे उस समय दहशत का माहौल बन गया जदों इस मंदिर दे विच गोलियां दियां आवाज़ां आउण लग पईआं। मौके के हालातों वेखदिआं जिथे पूरा दृश्य साफ हो जाता है, उत्थे ही पता चलिया है कि कुछ अणपछातिआं वल्लों मंदिर के पुजारी अते इक लड़की ते गोलियां चला दित्तीआं गईआं ने, जिस विच तीन गोलियां पुजारी अते इक गोली सिमरन नां दी लड़की ते जा लगी। फिलहाल जख्मियों नूं लुधियाणा के DMC हस्पताल विच भर्ती करवाया गया है, जिथे उन्हां दी हालत नाजुक दसी जा रही है। दूसरे पासे पुलिस वालों इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है, पर हाले हमलावर गिरफ्त तो बाहर ने। सिमरन जी है गोली लगी है, मेरी सखी साली आ, ठीक है जी। तो मैं जिदा शॉप से काम कर रहा है, मैंने फोन आया भी इदा करके घरों साढ़े मम्मा उन्होंने फोन किया भी कुड़ी ने छोटी से गोली लगी है। तो मैनू नहीं पता लगा, मैं इदा कपड़े कपड़े च इतने आ गया, इतने आके देखा तो बाबा जी ने लैके जा चुके थे, कुड़ी ने साड़ी लैके जा चुके DMC लुधियाने। तो जो मैं DMC गया हाँ तो मैं देखा कुड़ी दे साड़ी दे बांह ते लगी हुई है सज्जी साइड, तो जेडे बाबा जी है उन्होंने सीधी छाती दे इत सेंटर च, तो दो जो इदा घूमे तो दो उन्होंने एक इतने आते इस चीज के आ, दो जगह के बाबा जी दे आ, तीन जगह लगी तीन जगह बाबा जी दे आ, ते एक कुड़ी दे आ। तो जिहड़ी कुड़ी कहिंदे जिदा मैं हुण उत्थे गया सीगा ते मैं पुछिया उन्होंने की चक्कर होया, वो कहिंदे भी सानू पता नहीं लगा भी वो आए आ, उन्होंने आउंदे ने गोलियां मारनी शुरू कर दित्ती, सानू नहीं पता ना उन्होंने पुछिया। कहिंदे जदों उन्होंने पहली गोली मारी आ बाबा जी उठ के अंदर नूं भज्जे आ, जां अंदर नूं भज्जे आ। कहिंदी मैं रसोई च चाह बनाउंदी पई सी, मैं कहा बाबा जी तुसीं अंदर नूं आ जाओ। कहिंदी जदों मैं इदां दरवाजा बाबा जी अंदर इदां मूँह भर डिग गए अगे नूं, ते कहिंदी जदों मैं इदां मैं दरवाजा भेड़िया ते उह गोली मेरे इक इक थूत इत्थे उन्होंने मारती नाले। तो कहते जी कुड़ी जी बाहर भजी और फिर बाहर भज गई एकदम। सिमरन की हालत ठीक है, बाबा जी एमरजेंसी वार्ड लैके गए, जिदा सिमरन भी एमरजेंसी वार्ड च ही आ, तो उत्थे बस मैं मिल के फिर हम इधर सीधे नहीं भाजी, मैनू तो कुछ भी नहीं पता, मैं तो शॉप से काम कर रहा, सवेरा 4 बजे का लगे हुआ दुकान से काम कर रहा, कोई इदा की गलबात नहीं, मैं तो कभी सुनी नहीं है एवं कम, मैं 3 साल हो गए ब्याह नहीं इतने इन्हों के घर, मैं कभी इदा की कभी गल नहीं सुनी है। ये 4 जने से जो कि 2 बंदे जो मोटरसाइकिल से आए ने आके कुछ गोलियां चला के गए ने, गोलियां 2 एक जो बाबा जी से उन्होंने बजी है, एक नाल एक जिहड़े खाना बना रही सी लड़की उहदे हल्के जी गोली वज्जी है, ते ओ दोनों जिहड़े हैगे फिलहाल जिन्ना सानूं पता लग्या ओ जेरे इलाज ने ते खतरे तो बाहर ने फिलहाल। ते ए बड़ी मंदभागी घटना जिहड़ी हैगी है वापरी है, ते साडी फोर्स इमीजिएटली इत्थे पहुंच के नाल दी नाल असीं इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, ते सानूं उम्मीद है कि छेती असीं इस केस नूं ट्रेस कर लवांगे। सर किहड़ी पिस्टल वगैरह यूज़ कीता गया ਇਹ ਹਜੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਰ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਜੇ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ। ਹਕੀਕਤ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।